हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज आ गई है हमारे पास टाटा हैरियर 2023 फेसलिफ्ट वाली, और वो येलो कलर आपने बहुत देखा होगा, बट हम लेकर आए हैं आज इसका डार्क एडिशन। तो डार्क एडिशन में देखेंगे गाड़ी कैसी लग रही है, पूरा गाड़ी का रिव्यू करेंगे, एक एक फीचर की बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाड़ी की चाबी। तो ये आप देख सकते हो, पहले भी ऐसी चाबी आती थी तो अभी भी सेम है, बट अब जो इसमें चेंज हुआ है वो आप चेक करो। गाड़ी अनलॉक करने पर बहुत प्यारा एक एनिमेशन इस गाड़ी में बन के आता है, और यही सेम चीज़ वरना ने स्टार्ट करी थी बट वो थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाए। बट टाटा ने जिस तरीके से ये DRL इंटीग्रेट करी है वो बहुत शानदार लग रहा है। एक बार आप गाड़ी की पूरी लुक चेक कर सकते हो। पहले हमारी गाड़ी थोड़ी सी राउंडिश में हुआ करती थी हैरियर, बट अब जो इन्होंने ये वाली डिज़ाइनिंग इन्होंने चेंज करी है तो गाड़ी की लुक और ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर डेफिनेटली हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अब हमें पूरे LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। इसमें ये प्रोजेक्टर्स हैं, हाईलो का काम दोनों इसी में होता है। नीचे हमारे LED फॉग लाइट्स भी इसमें हमें प्रोवाइड करी गई हैं। फ्रंट में आप देखो तो यहाँ हमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रेडार हमें मिल जाता है क्योंकि अब इस गाड़ी में आ गया है ADAS। तो अब आप देख सकते हो इसका, जब हमने DRL ऑन कर दिया और हेडलाइट हमारी ऑन कर दी है तो रिस्पॉन्स आप गाड़ी का चेक कर सकते हो। पहले से नो डाउट डिजाइनिंग में काफी इम्प्रूव हो गई है गाड़ी। एक बार हम इसके रियर लुक भी चेक कर लेते हैं। साइड लुक हम एक बार देख लेते हैं। साइड से गाड़ी ऑलमोस्ट अनटच्ड है, सेम ही हमें डिज़ाइन मिलता है, एक्सेप्ट जो हमारे अलॉय व्हील्स हैं वो अब हमारे चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब कंपनी ने अलॉयज का साइज कर दिया है 19 इंचेस, और साइज आप देख सकते हो 245/55R19। तो पहले हैरियर में 235 सेक्शन का टायर आता था, अब ये 245 हो गया है, तो विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई है। अभिषेक, रियर से भी आप लुक चेक कर सकते हो, बहुत ही शानदार टेल लाइट कंपनी ने बनाई है। ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें यहाँ पे ऐड किया गया है बहुत ही एग्रेसिव लुक दे रहा है गाड़ी को। ओवरऑल एक बहुत ही स्पोर्टी कैरेक्टर गाड़ी का यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब तो सेम एनिमेशन जैसा आपने आगे देखा वो टाटा ने पीछे भी करा है, तो ये आप चेक कर सकते हो। गाड़ी मैंने लॉक करी है और बहुत ही प्यारा है, एक स्लीक सा, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा कोई खरोल भाग वाली बात नहीं है, बट सेम आप देख सकते हो गाड़ी मैंने अनलॉक करी तो बहुत स्टाइलिश वे में ये लाइट्स ओपन हो जाती हैं इसकी। तो एक बार गाइस गाड़ी का हुड भी चेक कर लेते हैं। हालांकि इंजन जो है वो हमारा सेम है जैसे पहले भी था, तो ये आप देख सकते हो क्रायोटेक 170, ये वही सेम फीएट सोर्स इंजन है। इसके अंदर 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, 168 BHP की पावर है और 350 Nm का इसमें हमें टॉर्क मिल जाता है। और बाकी एक हाथ से पकड़े पकड़े मेरे को हो रहा है दर्द क्योंकि बोनेट इसका बहुत हैवी है। तो बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की आपको पता ही है, और सबसे 5 स्टार में भी जो सबसे ज्यादा रेटिंग होती है वो हैरियर और सफारी लेकर आए हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इंडियन ब्रांड्स हमारे सबसे अच्छा कर रहे हैं सेफ्टी के अंदर। इंजन आप देख सकते हो काफी अच्छी पैकिंग है, हालांकि इसमें कुछ खाली जगह मेरे को दिख नहीं रही है, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। सबसे पहले गाड़ी के वाइपर्स भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारे फ्रेमलेस वाले वाइपर्स इसमें मिलते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे रहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग कंपनी ने नहीं करी है। मेन चीज़ जो साइड में एक ऐड हुई है वो है ये वाली हैरियर की बैजिंग जो पहले नहीं आती थी, और अगर आप दूर से एक बार इसको देखो तो बहुत ही सटल और बहुत ही प्रीमियम लगती है ये वाली बैजिंग इसकी। यहाँ पर आप डार्क एडिशन की बैजिंग देख सकते हो। मिरर्स में देखे तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री के हमारे कैमरास मिल जाएंगे। डिजाइन भी काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है मिरर्स। यहीं पे अगर हम फ्रंट में आए तो फ्रंट में ऊपर आपको दिख जाएंगे हमारे ADAS के कैमरा, तो वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में इस गाड़ी में प्लेस किया गया है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक बार हम देख लेते हैं इसमें बैठना और उतरना कितना इजी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली मैं स्लाइड इन हो गया,
क्योंकि गाड़ी इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है। अभी मैंने भी जैसे नई नई स्कॉर्पियो एन ली है, तो उससे मैं थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा, क्योंकि सेम ही सेगमेंट की ऑलमोस्ट ये गाड़ियां हैं, तो उसके मुकाबले इसमें चढ़ना उतरना काफी इजी है। और सबसे पहले आप डोर पैड की लुक भी चेक कर सकते हो, तो डोर पैड हमारा ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, सेम वही हमें सॉफ्ट टच फिनिशेस मिल जाती हैं इसके अंदर जो काफी प्रीमियम है। हैंडल वगैरह पे भी हमें लेदर मिल जाता है, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। अब चलते हैं गाइस गाड़ी के सीधा इंटीरियर में, और एक बार इसका इंटीरियर चेक करो। हो सकता है कि आपको बाहर से वो येलो वाला कलर जरूर पसंद आ रहा होगा, बट जहां हम इंटीरियर की बात करें तो डार्क एडिशन का इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अगर हम उससे कंपेयर करें, बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स जो है इसके अंदर यूज करे गए हैं। अभी हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, तो अब आप देख सकते हो गाइस डैशबोर्ड की लुक, और यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया है टाटा ने, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है पिछले वाले के इंटीरियर से अगर हम कंपेयर करें। सबसे पहले आप देख सकते हो जो टाटा का नया स्टेयरिंग व्हील आया है विद द इल्यूमिनेटेड लोगो, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप रियल में जब गाड़ी देखने जाओगे शोरूम पे, तो ये काफ़ी सटल है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई लाइट है। फोर स्पोक में हमें ये डिज़ाइन मिल जाता है इसका, पूरा हमारा लेदर रैप ये स्टेयरिंग रहने वाला है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर भी की गई है। बटन्स जो है वो थोड़े हमारे अब टच हो गए हैं, तो ये ओवरऑल हमें जब हमारे पास ओनरशिप रिव्यू के लिए गाड़ी आएगी तो तब हम आपको बताएंगे क्या ओनर्स को ये चलाने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, और ये मतलब अनइंटेंशनली टच तो नहीं हो जाते। सेंटर में अगर हम बात करें तो एसी पैनल अब हमारा पूरा टच हो गया है, तो टच का इस्तेमाल टाटा ने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, तो ये एक दिक्कत की बात भी हो सकती है जब ओनर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी को चलाएंगे। बट फिलहाल अगर हम देखने के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप देख सकते हो एसी के हमारे कंट्रोल्स। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमारा एटलीस्ट टेम्परेचर कंट्रोल है, वो उसके लिए हमें बटन दिया गया है, बट फैन कंट्रोल हमारा अगेन टच में रहने वाला है, और बाकी सारे बटन्स भी हमारे टच में ही रहेंगे। सेंटर में आप देख सकते हो जो अब अट्रैक्ट कर रही है इस गाड़ी के अंदर, 12 इंचेस की डिजिटल डिस्प्ले, और इसकी क्वालिटी गाइस पहले वाले से लाख गुना बेटर हो गई है। अब जो पहले इसमें हार्मन का सिस्टम आता था वो बहुत लैगी था, उसका यूआई भी इतना अच्छा नहीं था, बट ये तो दिखने में इतना क्रिस्प लग रहा है डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें फंक्शंस हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर तो JBL के आप कई सारे मोड हमें इसमें मिल जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो। बाकी इसके मेन्यू में एक बार हम चल लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो इसमें मिलता ही है, एलेक्सा सपोर्ट भी इस गाड़ी के अंदर अब आ गया है, AQI का हमारा पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम गाड़ी के अंदर है, क्लाइमेट की सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हो, ओपन कर सकते हैं, डुअल जोन गाड़ी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल है, तो इस साइड का आप देख सकते हो टेम्परेचर हमारा अलग चल रहा है और इस साइड का अलग, तो ये पैनल भी बहुत अच्छा यहाँ पे लुक इसकी निकल के आ रही है। एयर क्वालिटी बार बार पुअर दिखा रहा है क्योंकि हम दिल्ली के अंदर है इस वक्त, वो भी आनंद विहार के पास। तो ये आप देख सकते हो अब जो गाड़ी के अंदर नई चीज ऐड हुई है उसका बटन हमें एक यहाँ पर भी मिल जाता है, तो ये आप देख सकते हो हमारा 360 डिग्री कैमरा का बटन, और ऐसे कुछ हमारा 2D व्यू है, और ये आप देख सकते हो गाड़ी का 3D व्यू ऑन हो गया है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं लग रही है, और यहाँ से आप एक एक मोड इस गाड़ी का इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल जो UI पे काम किया गया है, जो इसके सिस्टम पे काम किया गया है, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये आप देख सकते हो दोनों हमें साइड्स का व्यू दिखा रहा है, ये हमारा बैक का व्यू हो गया, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंट्यूटिव इसका 360 डिग्री कैमरा का सिस्टम इसमें दिया गया है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो ये हमारा मैनुअल वाला वेरिएंट है, बट अब आप देख सकते हो इसमें आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ ही आ गया है, यहाँ हमारा पूरा टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम इसका मिल जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हो अब ये वेट मोड हमारा एक्टिवेटेड हो गया है,
जिसकी हमें यहाँ पे भी दिखेगा और इसके अंदर भी नोटिफिकेशन आती है। मैं दूसरा एक मोड लगाता हूँ, रफ मोड, तो ये आप देख सकते हो। तो ये गाड़ी तीन जगह आपको इंडिकेट कर रही है, इसके अंदर जो डायल है इसके अंदर भी स्क्रीन है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी। तो ये काफी अच्छा प्रीमियम टच इस गाड़ी को मिलता है। यहाँ पर बाकी कुछ और भी बटन्स हैं जो ये इस गाड़ी का स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेट करने का बटन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आप देखो तो हमें चार्जिंग के दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक हमारा नॉर्मल यूएसबी है, एक यूएसबी सी जो इसमें 45 वॉट का दिया गया है। तो ये काफी फास्ट चार्जर इस गाड़ी के अंदर हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अगर यहाँ आर्मरेस्ट की बात करें हम, तो आर्मरेस्ट भी इसका ठीक ठाक है, ज्यादा डीप नहीं है, तो आपका वॉलेट वगैरह वो सब आप इसमें रख सकते हो। एक 12 वोल्ट का पॉइंट हमें इसके अंदर भी मिल जाता है और चार्जिंग के दो पॉइंट्स इसमें इसके अंदर भी हमें मिल जाते हैं। तो बार बार में अगर आप देखोगे तो चार और एक 12 वोल्ट, पांच चार्जिंग के पॉइंट्स इस गाड़ी में हमें मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूं एक्सयूवी से या फिर हमारी स्कॉर्पियो एन से, तो चार्जिंग पोर्ट्स की उसमें बहुत ज्यादा कमी है। एक और चेंज जो इस गाड़ी के अंदर हुआ है वो गाइस अब आप देख सकते हो, पूरा हमारा डिजिटल एमआईडी इस गाड़ी के अंदर हो गई है। ये आपको कैमरे में दिखने में थोड़ी बड़ी लग रही होगी, बट एक्चुअल में ये थोड़ी सी छोटी लगती है मेरे को, मतलब ज्यादा छोटी नहीं है बट थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी। यहीं पे अगर हम देखें तो काफी सारे फंक्शन इसमें हमें मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हो हमारे नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशंस, सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो और बढ़िया फीचर जो इसमें मुझे लगा वो है ये डायल सेलेक्ट करने का व्यू। तो इसमें आप देख सकते हो एक हमारा डिजिटल व्यू हो जाता है, फिर अगर हम वन डायल व्यू पर आए तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ऐसे कुछ व्यू आएगा इसमें, और एक और व्यू उसके अंदर हमें मिलता है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में जाएं, डायल व्यू में करें, और एक टू डायल व्यू हमें और मिल जाता है जो कि ये है। तो ओवरऑल काफी अच्छा टच ये टाटा की तरफ से आ गया है इस गाड़ी के अंदर। वहीं पे अगर हम देखें तो एम्बिएंट लाइटिंग भी गाड़ी में अब ऐड कर दी गई है, तो ये भी काफी अच्छे से इसमें फ्लो कर रही है। अब आपको बाहर से गाड़ी वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टाटा ने पहले ही वो काम करके दिया है। और साथ में ये जो पूरा पैनल है ये भी हमारा इस पर लेदर चढ़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो अब गाड़ी के अंदर हमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं विद हमारा मेमोरी फंक्शन, तो तीन लोगों की मेमोरी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये हमारा वेंटिलेटेड सीट्स का बटन। और वहीं अगर हम दूसरी साइड भी देखें तो ड्राइवर साइड भी हमारी अब इलेक्ट्रिक एडजस्ट के साथ इस गाड़ी के अंदर मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा टच है। तो अब आ जाते हैं गाइस गाड़ी की बैक सीट की तरफ, और सबसे पहले बैक सीट में जो आप नोटिस इंस्टेंटली करोगे वो है इसके ये हेडरेस्ट। तो मैं एक बार देखता हूँ अगर ये खुल जाए, तो ये आप देख सकते हो हमारे एयरप्लेन स्टाइल वाले हेडरेस्ट इस गाड़ी में आ गए हैं। तो भाई लॉन्ग ट्रिप पे जिसको जाना है और सर इधर उधर नहीं जाए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये टच दिया गया है। गाड़ी के अंदर बैठकर देखते हैं, तो एक चीज़ जब मैं गाड़ी में पहले भी बैठा था मेरे को थोड़ी सी मिसिंग लगी थी, वो था इसमें अंडर थाई सपोर्ट। मतलब जब मैं बैठा हूँ तो पैर मेरे काफ़ी ऊपर हो रहे हैं इसमें, और सपोर्ट इतना अच्छा मेरे को फील नहीं हो रहा है, और जबकि पहले टाटा की सीट्स काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। एक और यूज़फुल टच जो इस गाड़ी के अंदर आ गया है वो है हमारे सनशेड्स। तो ये एक बहुत ही हैंडी टच है जो कि सब गाड़ियों में आजकल आना चाहिए, स्पेशली दिल्ली के और इंडिया के वेदर के हिसाब से। यहाँ पर एक लाइट की प्लेसमेंट भी हमें मिल गई है, हैंडल है विद हुक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो कि पहले भी आता था हमारी फुल पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आ चुकी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टच है। और अब इस डार्क एडिशन के अंदर थोड़ी रोशनी हो गई है और काफ़ी एक एरीनेस इस गाड़ी के अंदर आ रही है। तो ओवरऑल बैक सीट में जो भी छोटे छोटे टचेस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तो एक हमारा टाइप सी एक टाइप ए, बहुत ही सोच समझ के चार्जिंग पॉइंट्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं और एम्पल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो वो चीज़ के लिए टाटा को सल्यूट करना बनता है। एसी वेंट्स आप देख सकते हो पिलर पे है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा टच है।
क्योंकि यहाँ पर जो एसी वेंट्स आते हैं वो ज्यादातर आपके घुटनों में हवा मारेंगे, और अगर कोई बीच में बैठा है तो भाई वो बंदा तो ठंड में मर जाएगा। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। तो ओवरऑल एक गाड़ी का जो एम्बियंस है पीछे वो भी काफी कंफर्टेबल मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। तो गाइस एक एम्बियंट लाइट और इस गाड़ी में ऐड हुई है, और वो है हमारी यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो, मैं खुद बहुत बेताब हो रहा हूँ इस गाड़ी को रात में देखने के लिए, क्योंकि ये वाली जो दो एम्बियंट लाइट्स हमारी सनरूफ पे ऐड करी गई हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली है रात में मेरे हिसाब से। सीट का डिज़ाइन भी आप इसमें चेक कर सकते हो, अच्छा लग रहा है। पहले भी सीट का डिज़ाइन अच्छा था, अभी भी हमारा डिज़ाइन में कोई एज सच कमी नहीं है यहाँ पर। तो एक और बहुत शानदार फीचर इस गाड़ी के अंदर ऐड हो गया, वो हमारा इलेक्ट्रिक टेलगेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, बूट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। ये भी एक बहुत प्रीमियम टच गाड़ी के अंदर आ गया है। बूट स्पेस आप गाड़ी का चेक कर सकते हो, काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा JBL का सबवूफर। तो 10 स्पीकर JBL का सिस्टम इस गाड़ी में आ रहा है, जो कि पहले भी था, तो सेम ही रिटेन यहाँ पर किया गया है। बूट क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर बटन मिल जाता है, और डरने की बात नहीं है, अगर आप कहीं बीच में आ जाओ तो ये वापसी ऊपर भी चला जाएगा। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा टाटा हैरियर डार्क एडिशन का पूरा कंप्लीट डिटेल रिव्यू। एक एक फीचर ऑलमोस्ट हमने कवर करने की कोशिश करी है, और गाड़ी गाइस बहुत मुश्किल से मिल पाती है हमें, सुबह सुबह आना पड़ता है, शोरूम वालों से हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अभी इतने बड़े यूट्यूबर हम नहीं हुए हैं, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइस। और नेक्स्ट वीडियो इसकी हम ड्राइव रिव्यू लेकर आने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर से बात हो गई है, जिनकी हैरियर टॉप मॉडल आने वाली है, डिलीवरी बहुत जल्द हो जाएगी, तो उसका ड्राइव रिव्यू लेकर आएंगे, स्कॉर्पियो एन से कंपैरिजन करेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।